सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो एक बात को लेकर आपको गुस्सा बहुत आता होगा दोस्तों, वो बात है हैंग। तो फ़ोन लैग होता है दोस्तों, हैंग होता है बहुत, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आप गेम वगैरह खेलते हैं, कभी कभी आप गेम वगैरह खेलते हैं, गेम खेलते वक्त भी फ़ोन हैंग हो जाता है। हैंग होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि फ़ोन लैग होने के बाद है ना हर एक इंसान को गुस्सा आता ही है, तो आपको भी आता होगा। ये फ़ोन हैंग होने का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, मतलब एंड तक देखना है आपको। बिल्कुल भी थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करना। आप बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हैं और अपने फ़ोन का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं तो आप गेम को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं उसी फ़ोन में, और बिना हैंग के बिना लैग के बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर लेंगे अगर आप गेम खेलते भी हैं तो। और आप गेम नहीं खेलते और ऐसे भी फ़ोन आपका हैंग होता है तो उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको मैं बता ही दिया, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए से उड़े की तरफ चलते हैं। मेरा नाम है नबी करीम, आप देख रहे हैं इट्स टेक्निकल, चलिए देखते हैं। आप कुछ भी नहीं सो एक डेवलपर बोल के एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में, आपको सेटिंग में जाना है तो उसको कैसे ऑन करना है और उसको ऑन करने के बाद क्या फ़ायदे हैं और सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको मोबाइल हैंग होने से इतना ही नहीं बचेगा और उसके ना बहुत ज़्यादा और भी बहुत अच्छे आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे, बहुत अच्छे इसके अंदर ऑप्शन भी और भी मिलेंगे आपको। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, कुछ भी नहीं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको सबसे पहले आपको इसको ऑन करने के लिए जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेटिंग में जाना है। अबाउट सेटिंग में जाने के बाद है ना आपको वर्जन आपको दिख रहा होगा, वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है, कम से कम 7 से 8 बार आपको ऐसे टैप करते जाना है। ऐसे टैप करते जाएंगे ना तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, निकल कर आएगा। आने के बाद है ना सब डेवलपर ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप गेम खेल रहे हैं, अभी आप गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो गेम को स्टार्ट करने से पहले उस डेवलपर ऑप्शन को स्टार्ट कर लेना। पहले आप गेम खेलने से पहले उस ऑप्शन को आप ऑन कर लेंगे ना तो आपका फ़ोन लैग होगा नहीं, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से गेम को आप एंजॉय कर लेंगे। इसको आप ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद ना दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट में आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं दोस्तों। आप एक 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 करके देखेंगे ना तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा यूनिक ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा कर रखा हूँ ये स्क्रीन पर। एक एक करके आप सबको देखेंगे ना, सब ऑप्शन को देखेंगे ना तो आपका नया नया आपको अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं दोस्तों, आप एक 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 करके यूज़ कर लीजिए। आप देख लेना दोस्तों, आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर एक और स्क्रीन ला सकते हैं, छोटा स्मॉल स्क्रीन, और आपको कलर चेंज कर सकते हैं, आप वर्ड्स भी छोटे बड़े कर सकते हैं, और भी इतने ही नहीं सो बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं इस डेवलपर ऑप्शन में। आप देख लेना, आप हैंग प्रॉब्लम इतना ही सॉल्व नहीं करेगा या और भी बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यही बात बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये डेवलपर ऑप्शन है ना सो, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है वो मुझे यूज़ करने के लिए, मैं पूरा दिन इसको यूज़ कर लिया, उसके बारे में समझा। समझने के बाद है ना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन है ना तो आप ऑन कर लेंगे ना, ऑन करने के बाद आपको गेम को ओपन करेंगे ना तो आपका फ़ोन लैग वगैरह होगा नहीं, हैंग वगैरह होगा नहीं, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये भी बात मैं आपको बार बार क्यों बताने, लेकिन इसके लायक ये ऑप्शन ज़रूर है दोस्तों। अब भी अगर गेम खेलते क्या मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, और गेम खेलने से पहले इस ऑप्शन को ज़रूर ओपन कर लेना, मतलब ऑन कर लेना। मान लो कि भैया आप गेम खेलते वक्त इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आप गेम खेल लिया, पूरा गेम खेलने के बाद रख दिया फ़ोन लॉक वगैरह करके, फ़ोन को रख दिया, रखने के बाद ये ऑप्शन है ना तो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑफ होने के बाद आप जब भी गेम खेलते हो तो एक बार आपको सेटिंग में एक झलक जाना पड़ेगा, एक झलक जाकर आपको उस सेटिंग को डेवलपर आपको ऑन कर लेना पड़ेगा, ऑन करके आप गेम को ओपन करना पड़ेगा दोस्तों, और आप गेम को एंजॉय करके खेल कर रखेंगे, रखने के बाद ये फिर से ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये पर्सनल ये ऑप्शन को आप जाकर ओपन करना पड़ेगा, मतलब ऑन करना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर ही लेंगे इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो दोस्तों। ख़त्म, फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को सर नीचे कमेंट बताना जरूर, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप अगले क्वेश्चन नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इट्स टेक्निकल।